देख लेते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में होली नहीं मनाने को लेकर बीजेपी नेता, पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। हाथों में पैम्पलेट लेकर ये लोग इस साल होली नहीं मनाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना काल में सार्वजनिक होली मनाने पर सरकार ने वैसे ही पाबंदी लगा दी है। ऐसे में लोगों को समझाने निकले लोगों का भरोसा है कि उनकी ये अपील काम करेगी। गुजरात में कोरोना के नए मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 1961 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन के अब तक के सबसे ज्यादा मामले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई। सूरत में पिछले 24 घंटे में 628 केस सामने आए, जबकि दूसरे नंबर पर अहमदाबाद रहा, जहां 24 घंटे में कोरोना के 558 नए केस सामने आए। जनक हमारे साथ मौजूद हैं, और जनक, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, जरा बताइए कि वहां पर लोग कितने जागरूक हैं, और दूसरा, राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारी है इन केसेस को कम हो इसके लिए? देखिए अर्पिता, फिलहाल मैं आपको लोगों की समझदारी की ओर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अहमदाबाद पुलिस के जवान हैं और कोई समाजसेवी लोग हैं जो घर घर जाकर इस बार होली न मनाने को लेकर समझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा रोज़ाना केसेस गुजरात में आ रहे हैं, 7 लोगों की मौत होती रहती है। पिछले कुछ दिनों से देख रहे, 6-7 लोगों की रोज़ाना मौत हो रही है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो पुलिस के ASI हैं उनसे ही पूछते हैं, सर क्या क्या समझाते हैं लोगों को? होली नहीं मनावे, घर पर ही रहवे और सुरक्षित रहवे। तो देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि सुरक्षित रहें, होली ना मनाएं, और ये होर्डिंग्स भी आप साथ साथ में देख सकते हैं उनके हाथों में। उन्होंने बनाया कि आइए संकल्प लेते हैं कि होली के रंगों से दूर रहें इस साल, ये होर्डिंग्स के। और लोग भी हैं जो उनसे बात करते हैं, सर ये लोग जो आपको समझाने आए हैं असर कर रही है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थिति बहुत ख़राब है, अभी मार्केट के अंदर इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई पॉजिटिव हो उससे अच्छा कि दूर रहे तो अच्छी बात है। बिल्कुल, और सरकार ने भी इस बार जो पब्लिक होली मनाने को लेकर जो अनुमति नहीं दी है, केवल होलिका दहन का कार्यक्रम होगा वही यहाँ पर होगा। बाकी लोग हैं जो समाजसेवी लोग हैं, वो भी इन पुलिस के जवानों के साथ घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि इस बार की होली ना मनाएं, क्योंकि इस बार अगर हम संभाल लिया तो अगले साल जब होली आएगी तो सब मिलजुल कर होली मनाने की स्थिति में होंगे। तो इसके चलते पुलिस जवान के साथ साथ समाजसेवी जो लोग हैं वो भी हर घर घर जाकर इलाकों में लोगों को समझा रहे हैं। अरबी, ठीक, जरा महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में 35,952 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 111 की कोरोना से मौत हुई है। और इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा जो है वो 26 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक महाराष्ट्र में कुल 53,795 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इससे पहले कल कोरोना के 31,855 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना की दहशत के बीच कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो मास्क और कोरोना के दूसरे जरूरी नियमों की अनदेखी करते दिखे। खाली पुलिस के सामने डर नहीं है, अभी तक लोगों को डर नहीं लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है? सोशल डिस्टेंसिंग तो किधर भी नहीं दिखता मेरे को, बस में नहीं, किधर पब्लिक स्पेस में किधर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरीके से मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चिंता बढ़ा रहे हैं। क्या वहां पर राज्य सरकार पूरी तरीके से जागरूक है? कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसको देखकर लग रहा है कि कुछ कंट्रोल हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, कोरोना के केसेस जिस तरीके से अर्पिता बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत बने हुए। आज राज्य सरकार 12:30 बजे एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर से उसे नई गाइडलाइन इशू करनी है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है, जहाँ जहाँ पे केसेस बढ़े हैं उन जगहों पे सरकार या तो रिस्ट्रिक्शन ला सकती है या लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है। लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से तमाम सारे लोग आपको मिलेंगे जो मास्क नहीं लगाए हैं। पुलिस वालों की कोशिश लगातार ये है कि जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको ये बताया जाए। देखिए, ये स्टूडेंट जा रहा है लेकिन उसके पास मास्क नहीं है। सरकार की तमाम सारी गाइडलाइन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
जिस तरीके की तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं वो डराने वाली है और लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। मुंबई की बात करें तो अकेले मुंबई से 5,500 केसेस आए जबकि पूरे महाराष्ट्र से करीब 36,000 केसेस कल आए हैं, यानी सरकार के लिए मुसीबत है। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए राज्य सरकारों को भी अब नए सिरे से सोचना होगा कि आखिरकार इतने